मैट्रिक परिणामों से पहले जहां एक ओर छात्रों में रिजल्ट को लेकर धुकधुकी है, तो वहीं अपने भविष्य को लेकर सभी चिंतित हैं। कौन सा कोचिंग संस्थान उनके हित में है, इसको लेकर असमंजस है। छात्रों की इसी असमंजस को दूर करने के लिए हम लगातार दरभंगा शहर के अलग अलग कोचिंग सेंटर की गुणवत्ता और वहाँ की विशेषताओं से अवगत करा रहे हैं। इसी कड़ी में हम आज आपको दिग्घी रोड स्थित मनोरमा क्लासेज फिजिक्स में लेकर आए हैं, जहां के शिक्षक एमके मिश्रा का दावा है कि वह जो पढ़ाते हैं वह केवल पुस्तक तक सीमित नहीं है और न ही उनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना है, बल्कि कैसे बच्चे उसको समझें और उसका लाभ हर प्रतियोगी परीक्षा में उठा सके, यही उनका फोकस है। हमारे तरफ से कोटि-कोटि धन्यवाद। सर, आप फिजिक्स के शिक्षक हैं, हाँ। फिजिक्स छात्र आपके पास पढ़ने क्यों आए? हाँ, क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है। फिजिक्स मेरे से क्यों पढ़ने आए? देखिए, फिजिक्स अगर देखा जाए, लोग कहते हैं जो भारी है, लेकिन मेरा मानना है अगर फिजिक्स को प्रैक्टिकली थिंक करके बच्चों को पढ़ाया जाए, एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ाया जाए, तो इस फिजिक्स को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। और हमें विश्वास है, हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं हम उसको इस तरह का बना देते हैं जो हर चीज़ को प्रैक्टिकली सोचे, और जब बच्चा प्रैक्टिकली सोचना शुरू कर देता है फिजिक्स में, तो उसको बड़ा मजा आता है पढ़ने में, और इसी कारण से बच्चा मेरे पास आते हैं। दरभंगा में एक अमूमन सवाल बच्चे के मन में रहता है कि सिलेबस समय पर ख़त्म नहीं होता है, इस शिकायत को आप कैसे दूर करते हैं? जी हाँ, ये भी सही है। अगर मेरे बारे में पता करेंगे, मेरे इंस्टीट्यूशन के बारे में अगर आप पता करेंगे, तो देखिए मेरा जैसे 12th का सेशन चलता है मार्च टू दिसंबर, और जैसे मेरा 30 नवंबर पूरता है, 30 नवंबर आते आते मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाता है। आप किसी से पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टीट्यूशन में कोई भी स्टूडेंट आपको मिले तो आपको कह देगा कि नवंबर लास्ट तक ख़त्म हो जाता है। देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है, ख़त्म टाइम पर कैसे होगा? अमूमन दरभंगा में क्लास चलते कितने बच्चे लोग, मैंने सर लोग बच्चे को बोलते हैं एक घंटे का क्लास, एक घंटे यानी कि 60 मिनट। वो 60 मिनट में क्या करते हैं आप नोटिस करिएगा, घर ही देख के एवरेज 40 मिनट पढ़ाते हैं, और 20 मिनट इधर उधर में रह जाते हैं। 10 मिनट लेट शुरू किए, 20 मिनट लेट शुरू किए, क्लास में 10-5 मिनट का इधर उधर का बात करने लगे। मैं शुरू से ही क्या करता हूँ, पूरे घर ही देख के 50 मिनट पढ़ाता हूँ। अगर कोई सर 40 मिनट पढ़ाए, 45 मिनट, हम 5 मिनट पढ़ाते हैं, पूरे 300 दिन क्लास चलता है 12th का। आप कैसे, यानी कि 1500 मिनट हमको एडवांस मिलता है 5 मिनट के फर्क से। आप कैसे पढ़ाते हैं कि बच्चे आपके तरफ दौड़े चले आते हैं देखिए क्लास में? देखिए क्या है, टीचिंग एक आर्ट है, टीचिंग एक आर्ट है। आप अपनी बात यानी कि फिजिक्स की बात को कितना सरल तरीका से बच्चे के दिमाग में आप विजुअलाइज करते हैं, उतार देते हैं, एकदम भारी से भारी चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू इतना आसानी से प्रैक्टिकली कर करके इतना आसानी से बताया जाए, तो बच्चे को काफ़ी इजी लगने लगता है फिजिक्स। और यहाँ की शिक्षा प्रणाली कैसी है? देखिए शिक्षा प्रणाली जो सरकार के द्वारा सिस्टम बनाया गया उसी को हम लोग फॉलो करते हैं, जो सिलेबस बनी हुई है उसी सिलेबस को फॉलो करते हैं। कौन कौन से बुक का आधार बना के? हाँ बिल्कुल, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सिलेबस को चूंकि हम लोग कंसीडर करते हैं, हम लोग 11th 12th ही नहीं पढ़ाते, हम लोग इस तरह से पढ़ाते हैं जो बच्चे जैसे IIT के लिए हो, नीट के लिए बच्चे पढ़ते हैं, तो पढ़ाई रहता है नीट या IIT पर बेस्ट रहता है, ठीक है। इस तरह से लेवल बना के चला जाए 0 से लेकर Z तक, ताकि ईजी से ईजी सवाल को बोर्ड लेवल के साथ साथ उसको किसी कंपटीशन का भी सवाल ईजिली बनने लगे। तो हम लोग सिलेबस के तौर पर क्या करते हैं, तो किताब जो सरकार के द्वारा रिकमेंड किया उसको तो बेसिकली फॉलो करते ही हैं, उसके अलावा हम लोग जैसे IIT का क्वेश्चंस बैंक है, नीट के क्वेश्चंस बैंक है, जो पूछा गया उस सवाल पे डिस्कस करते हैं, किस टाइप के भविष्य में पूछे जा सकते हैं, एग्ज़ाम का ट्रेंड किधर जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल किधर कन्वर्ट हो रहा है, इस सब चीज़ का काफ़ी हम लोग अध्ययन करते हैं, और उसी के आधार पर पढ़ाई का सिस्टम तैयार करते हैं। मैट्रिक का छात्र का रिजल्ट आने वाला है, क्या कहेंगे? हाँ, बिहार बोर्ड का तो वेलकम टू ऑल 10th एपरेंट्स, सभी का स्वागत है। जितने भी 10th पास हैं सभी बच्चों से तो मेरा विशेष यही आग्रह रहेगा, जो देखिए अपने मन की बात करिए, मन की बात 10th पास करने के बाद आपको पसंद हो कि कॉमर्स फैकल्टी जाए, साइंस रखे, आर्ट्स रखे, सबसे पहले
आप अपनी क्षमता के अनुसार डिसीजन करिए जो हमें क्या पढ़ना है, साइंस रखना है, कॉमर्स रखना है या फिर आर्ट्स फैकल्टी में जाना है। आने वाले छात्रों के लिए आप क्या विशेष लेकर आए हैं, इस बार क्या चेंजिंग हुई है? हाँ, जो कि देख रहे हैं बच्चों का पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा रुझान कम है, तो हम जितने भी शिक्षक वर्ग हैं चाहते हैं जो बच्चों को पढ़ाई के प्रति आकर्षण हो, इसलिए पढ़ाई को एकदम इस तरह से पढ़ाया जाए जो भारी से भारी चीज़ भी बच्चे को काफ़ी इजी लगे और इंटरेस्ट लगे। इंटरेस्ट तब लगता है जब बच्चा समझ पाता है, इसलिए आपके दैनिक फिजिक्स में खास करके जो आपके आजू बाजू में जो घटनाएं होती हैं जो फिजिक्स से जुड़ा हुआ, बच्चों को उसको जानकारी दीजिए, नेचुरली बच्चे उसको पसंद करेंगे। आने वाले छात्रों को क्या कहेंगे? सभी को हमारी तरफ से विशेष शुभकामनाएं, धन्यवाद। थैंक यू। मनोरमा क्लासेज ऑफ फिजिक्स के मैं डायरेक्टर हूँ, आर के मिश्रा।